हेलो दोस्तों, लर्न यूनिवर्सिटी चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वीडियो एडिट कैसा कर सकते हैं। तो वीडियो एडिट करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे जो फ्री सॉफ्टवेयर है। तो हम सिंपली वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हमें आना है गूगल पे वेब पेज पे आना है। गूगल वेब पेज पे आके हमें गूगल पे सर्च करना है शॉर्टकट डाउनलोड या शॉर्टकट, हम ऐसे डालते ही और एंटर कर देंगे। शॉर्टकट डालते ही हमारे सामने शॉर्टकट होम, जो भी शॉर्टकट का होम है वो हमें यहाँ पे ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे लिंक पे हमें शॉर्टकट पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है, या सिंपली हमें डाउनलोड पे क्लिक करके भी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम होम पेज पे आएंगे दोस्तों। शॉर्टकट के होम पेज पे आते ही हमारे सामने जो भी शॉर्टकट का होम पेज है, तो कभी भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते समय जो भी ऑफिशियल पेज है तो उसी से डाउनलोड करो, तो जिससे वायरस या जो भी वायरस का या मालवेयर का जो भी प्रॉब्लम होता है वो नहीं होता है दोस्तों। तो शॉर्टकट होम पेज पे आके हम यहाँ पे क्लिक टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम जो भी हमारा शॉर्टकट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो शॉर्टकट डाउनलोड करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे कुछ साइट्स दी वाली है दोस्तों, और साइट्स के हिसाब से हम यहाँ से जो भी लिंक है लिंक को यूज करके हम शॉर्टकट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। उससे पहले हमें हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट का है या 64 बिट का है ये हमें उससे पहले चेक करना पड़ेगा दोस्तों। तो उसको चेक करने के लिए हमें सिंपली हमारा जो भी पीसी है वो हमारे पीसी के जो भी हम माय कंप्यूटर है उसमें हमें प्रॉपर्टीज़ में आना है। प्रॉपर्टीज़ में आते ही हमारे सामने यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट की है या 32 बिट्स की है। तो मेरी यहाँ पे 36 बिट की है दोस्तों, तो मैं यहाँ से सिंपली जो भी 64 बिट का है हम उसे क्लिक करके विंडोज से हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका लिनक्स है, ओएस है या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, तो विंडोज की यहाँ से हम लिंक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली यहाँ पे हमें क्लिक करते ही हमारे सामने जो भी शॉर्टकट का वेब पेज है वो यहाँ से हमें शॉर्टकट जो भी सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड होना शुरुआत हो जाएगी दोस्तों। तो सिंपली यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद हमें इंस्टॉल करके एग्री करके हमें यहाँ से सिंपली यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों। तो शॉर्टकट इंस्टॉल करने के बाद हमारे जो डेस्कटॉप है उस पर आइकॉन आ जाएगा शॉर्टकट का, तो उसे हम ओपन करने के लिए डबल क्लिक करके हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो आइकॉन पे डबल क्लिक करके हमने शॉर्टकट ओपन कर लिया है। तो ये शॉर्टकट वीडियो एडिटिंग का जो भी सॉफ्टवेयर है उसका इंटरफेस इस तरह से आता है दोस्तों। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट है, तो हमारा जो भी प्रोजेक्ट है उसका नाम हम यहाँ पे डालने वाले हैं दोस्तों। तो हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे मैं एक मेरे जो भी प्रोजेक्ट है उसके लिए एक नाम यहाँ से दे देता हूँ दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का जो भी नाम मैंने दिया है वो एक ट्यूटोरियल बोल के मैंने इसमें नाम दे दिया है। तो इस तरह से हमारे सामने जो शॉर्टकट है उसका इंटरफेस यहाँ से आ जाएगा। ये हमारा प्रीव्यू विंडो है, यहाँ पे हमारा सेटिंग बार है, और ये जो नीचे है हम इसे टाइमलाइन कह सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम इसे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो जॉब है एक्सपोर्ट है, यहाँ से हमारा जॉब जो भी हम प्रोजेक्ट तैयार करने वाले हैं वो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्लोज बटन दोस्तों, हम इसे चाहे तो क्लोज बटन पे क्लिक करके हम इसे क्लोज भी कर सकते हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है ये जो टाइमलाइन है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये टाइमलाइन पे हमें जो भी ट्रैक चाहिए हम वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से ऊपर देखेंगे तो हमें फाइल, एडिट, व्यू, सेटिंग्स, इस तरह के जो बटन बार यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे जो बटन से ओपन फाइल, तो हमें फाइल जो भी इम्पोर्ट करनी है तो यहाँ से ओपन फाइल से हम कर सकते हैं। यहाँ से सेव, अंडू, रीडू, और यहाँ पे बाकी के जो फिल्टर्स, एक्सपोर्ट हिस्ट्री, ऐसे कुछ यहाँ से बटन दिए वाले हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारा जो भी इंटरफेस है ओपन शॉर्ट का यहाँ से ओपन हो सकता है दोस्तों। सबसे पहले हमें जो भी फाइल है वहाँ में जो भी हमारे वीडियोस फाइल है, ऑडियो फाइल है या इमेजेस है, हमें यहाँ पे इंपोर्ट करने हैं दोस्तों। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें ये ओपन फाइल जो है, ओपन फाइल पे क्लिक करके हमें जो भी चाहिए इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, म्यूजिक, हम यहाँ से इंटर कर सकते हैं दोस्तों। तो आपके फोल्डर में जहाँ पे भी आपके फाइल्स, वीडियो फाइल्स रखे वाले हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हो दोस्तों। तो मैं यहाँ से कुछ फाइल यहाँ से इंपोर्ट करूँगा। कंट्रोल की का यूज़ करके मैं यहाँ से एक से ज़्यादा फाइल सेलेक्ट करूँगा दोस्तों, और उसके बाद मैं ओपन पे क्लिक कर दूँगा दोस्तों। इस तरह से हमारी जो भी फाइल है यहाँ से ओपन हो गई है दोस्तों।
तो एक से ज़्यादा हम फाइल यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह जो भी फाइल है हम यहाँ से प्ले करके यहाँ पे हम उसका प्रीव्यू दे सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके बाद में ये जो फाइल है हमें यहाँ पे सबसे पहले जो भी हमारी ये वीडियो हमें टाइमलाइन पे लाना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसमें ट्रैक इंसर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी बटन है पहला जो बटन है वो है डिस्प्ले ट्रैक। तो यहाँ से हम जो भी ट्रैक चाहिए ऑडियो ट्रैक वीडियो ट्रैक और एक से ज़्यादा ट्रैक हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो ट्रैक ऐड करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे ऐड वीडियो ट्रैक, तो ये वीडियो ट्रैक यहाँ से इंसर्ट हो गया है दोस्तों। अगर चाहिए तो हम यहाँ पे ऑडियो ट्रैक यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो जितने भी चाहिए उतने ट्रैक हम यहाँ पे वीडियो और ऑडियो के यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में कट, अगर कुछ भी हमें यहाँ से डिलीट करना है कट करना है तो हम यहाँ से कट का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट, यहाँ से अगर हमारे ट्रैक ऊपर नीचे करना है तो हम अप डाउन यहाँ से कर सकते हैं। ये स्ट्रीम है और ये जूम इन और जूम आउट के कीज है दोस्तों। तो ये जिस तरह से हमने जो भी वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है तो उसे हमें सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमें हमारे टाइमलाइन पे लेके आना है दोस्तों। तो इस तरह से हमने ड्रैग करके इस तरफ से हमने इस पर छोड़ दिया है दोस्तों। तो यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ से ट्रैक करके यहाँ पे ड्रॉप करके हम यहाँ से हमारा जो भी वीडियो है वो हम टाइमलाइन पे ला सकते हैं दोस्तों। ये जो कर्सर है हम इसे प्ले हेड कहेंगे। तो ये जो प्ले हेड है तो जहाँ पे है ये कर्सर या प्ले हेड है तो इससे हमारा जो भी वीडियो है कौन से पोजीशन पे वो यहाँ में आपसे दिख सकता है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा जो भी वीडियो है हम यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो हमारे यहाँ ट्रैक पे आ गया है दोस्तों। एक से ज्यादा वीडियो लाना है तो सिंपली हमें यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके हम यहाँ से प्रीव्यू करके देख सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ पे टाइमलाइन पे ला सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमने वीडियो यहाँ पे टाइमलाइन पे ले लिया दोस्तों। टाइमलाइन पे हम इसे आगे या पीछे सीक्वेंस इसका चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हम इसे आगे ला सकते हैं, अगर हम चाहे तो इसे पीछे भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम जो भी सीक्वेंस है सिंपली हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसका सीक्वेंस भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो सिंपली हमें जैसा भी चाहे हम वैसा ही हमारे जो वीडियोज है तो हमारे टाइमलाइन पे यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली उसे पकड़ के हमें सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो इससे ज़्यादा हम वीडियो यहाँ पे हमारे टाइमलाइन पे ला सकते हैं दोस्तों। अगर हमें और चाहे तो हम यहाँ से वीडियो जो भी ट्रैक है यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर ऑडियो हमें डालना है तो हम यहाँ से ऑडियो ट्रैक भी यहाँ से डाल सकते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे एक ऑडियो ट्रैक यहाँ पे डाल के देखेंगे। सिंपली हमें ऐड करना है जो भी हमारे पास ऑडियो फाइल है तो ऑडियो फाइल हमें ऐसे सेलेक्ट करनी है, म्यूजिक जो भी हमें सिलेक्ट करना है ओपन करना है। तो इस तरह से ओपन हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे जो भी हमें ऐड करके हमने जो भी ऑडियो ट्रैक है हमें यहाँ से ऐड करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से ऑडियो ट्रैक अगर हमने ऐड किया तो इसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ से यहाँ पे हमारे जो भी टाइमलाइन है उस पे लाके हम यहाँ से छोड़ सकते हैं दोस्तों। इस तरह से ये जो म्यूजिक है हमारे टाइमलाइन पे ऐड हो गया है दोस्तों। ये वीडियो का जो अगर लेंथ ज़्यादा है अगर हम इसे क्या कर सकते हैं, सिंपली हम इसे जो भी पकड़ के हम इसे सेलेक्ट करके हम इसे छोटा कर सकते हैं या हमें बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हम इसकी जो भी लेंथ है या कम या ज़्यादा लेंथ हम यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। अगर दूसरा ऑप्शन एक तो हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो हम इसे सिंपली सेलेक्ट करके हमें जहाँ तक भी वीडियो चाहिए ये जो वीडियो है हमारा हम यहाँ पे जहाँ तक चाहिए वहाँ तक ला के हम सिंपली यहाँ पे जो ये स्प्लिट एट प्ले हेड जो बटन है इस पर हमें जो भी जिसे भी हमें कट करना है उसे हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद हमें स्प्लिट एट प्ले हेड करेंगे। स्प्लिट एट करते हैं हम इसे ऐसे कट कर सकते हैं, दो पार्ट में हम इसे कट कर सकते हैं। तो देखो ये जो हमारे म्यूजिक है वो दो पार्ट में यहाँ से कट हो गया दोस्तों। तो हमें जो नहीं चाहिए हम इसे सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ से कट कर सकते हैं या माइनस पे हम ला के इसे कट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम ये जो भी म्यूजिक है हम इसे यहाँ से कट कर सकते हैं दोस्तों। अगर हमें इसमें अगर इमेजेस ऐड करनी है तो सिंपली हमें ट्रैक पे आना है और ऐड वीडियो ट्रैक हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से वीडियो ट्रैक ऐड हो गया दोस्तों। तो अगर हमें यहाँ पे अगर हमारा लोगो है या हमें कुछ भी इमेजेस अगर यहाँ पे ऐड करनी है तो सिंपली हमें ऐड करके हमें जो भी इमेज यहाँ से चाहिए हम यहाँ से इमेज सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं और जहाँ भी चाहिए वो इमेज हम पकड़ के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने जो भी इमेज चाहिए हमें अगर हमारे वीडियो में लोगो ऐड करना है या कोई इमेज ऐड करनी है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सिंपली इस वीडियो या लोगो की जो भी लेंथ है हम यहाँ से पकड़ के उसे छोटी या बड़ी भी यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमने हमारा लोगो जो है तो यहाँ से जितना चाहिए उतना हमने उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज कर ली है दोस्तों, बड़ी कर ली है दोस्तों। इसके बाद में हमारे जो भी वीडियोज है यहाँ पे आ गया है दोस्तों। तो वीडियो यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ से
चाहे तो यहाँ पे जो वीडियो है इसमें अभी हम एडिट कर सकते हैं दोस्तों। तो एडिट करने के लिए जो भी हमारे वीडियोज है, हमें एडिट करने के लिए हम ये फिल्टर ऑप्शन है, तो फिल्टर ऑप्शन का यूज करके हम यहाँ पे इसमें एडिट कर सकते हैं दोस्तों। तो जब भी हमें जिस भी चीज में हमें एडिट करना है, तो सबसे पहला स्टेप जो है तो उसे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी हमने जो वीडियो क्लिप है, हमें इसे पहले सबसे पहले इसे सिलेक्ट करना है दोस्तों। सिलेक्ट करते हमें जो भी हमारा फिल्टर बटन है, तो फिल्टर बटन का यूज करके हम इसे ऐड फिल्टर करके हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये वीडियो है तो इसे हम जो हमारा प्ले हेड है, हमें हमारा कर्सर है, हमें उस पे लाके हम इसे प्ले करते हैं। प्ले करते हैं हम, कर सालू स्टार्ट। तो इतना जो पार्ट है वो हमारा इनिशियल पार्ट है जो हमारे काम करने ही है। तो हम इसे सेलेक्ट करके सबसे पहले हमें उसे डिलीट करना पड़ेगा दोस्तों। तो हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और स्प्लिट ऐड प्ले हेड के करके जो हमारे नीचे जो वेव्स दिख रहे हैं, जो हमारे ऑडियो वेव्स है दोस्तों, तो ऑडियो वेव्स को देख के हम यहाँ से सिंपली हमारा जो भी वीडियो है उसे हम कट कर सकते हैं दोस्तों। तो सिंपली हमें सबसे पहले इसे सेलेक्ट करना है, हमें यहाँ से स्प्लिट करना है। स्प्लिट करते हैं हमारा जो भी वीडियो है यहाँ से दो पार्ट में यहाँ से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। पहला पार्ट हमें डिलीट करना है, तो इसलिए हमें पहले पार्ट को सेलेक्ट करके हम इसे माइनस पे या ये जो भी सीजर है इस पे हम कट जो भी ऑप्शन है उस पे हम जाके डिलीट यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमने जो फर्स्ट पार्ट है हमें यहाँ से डिलीट कर लिया है दोस्तों। ये जो म्यूजिक है हम इसकी लेंथ कम या ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। अगर चाहे तो हम यहाँ से उसे स्प्लिट करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारा जो भी वीडियो है हमने यहाँ पे बना लिया है दोस्तों। एक बार हम इसे प्ले करके देखेंगे दोस्तों। सिंपली हम यहाँ से प्ले करेंगे। जो वीडियो हमने जो इमेज इंसर्ट की थी वो हमारे यहाँ पे सबसे पहले और हमारे वीडियो के ऊपर आ रही है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें ये जो हमारी इमेज है हमें इसे एक साइड में लाना है। तो इसे साइड में लाने के लिए सबसे पहले हमें इमेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इमेज को सेलेक्ट करते ही हमें जो फिल्टर है फिल्टर पे सेलेक्ट करना है और यहाँ से हमें फिल्टर सेलेक्ट करना है दोस्तों। तो हमें ऐड फिल्टर, यहाँ से ऐड फिल्टर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वीडियो और ऑडियो के अलग अलग फिल्टर है दोस्तों। तो वीडियो के लिए हमारे वीडियो ट्रैक है इसलिए हम ऐसे वीडियो पे सेलेक्ट करेंगे और जो भी हमारा इमेज है हमें इसे क्या करना है, इसे छोटी करना है दोस्तों और साइड में लाना है। तो इसके लिए जो भी फिल्टर है तो फिल्टर के अलग अलग नाम है दोस्तों, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएंगे। इसलिए हमें रोटेट एंड स्केल, रोटेट एंड जो स्केल है तो रोटेट एंड स्केल यूज करके हम इसे रोटेट एंड स्केल का यूज करके हम इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। तो रोटेट एंड स्केल हमें चूज करते हैं हमारे सामने यहाँ पे उसके कुछ सेटिंग्स के बटन हमने से यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों। तो ये स्केल में इसके 100% साइज है, तो हम इसे अगर चाहे तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं दोस्तों, अगर हम चाहे तो इसे छोटा भी कर सकते हैं दोस्तों। तो स्क्रोल का हम स्क्रोल जो है यहाँ पे स्केल इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। तो सिंपली यहाँ पे 84% है, अगर हम उस पर चाहे छोटा चाहिए तो हम इसे 10% हम अगर लोगों के साइड में डालना है तो हम यहाँ से 20% तक यहाँ से ला सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में एक्स ऑफसेट एंड वाई ऑफसेट यहाँ पे दी वाला है दोस्तों। तो एक्स ऑफसेट और वाई ऑफसेट का यूज करके हम इसे अप डाउन लेफ्ट राइट ऐसा जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे हम इसे ले जाके यहाँ से प्लेस कर सकते हैं दोस्तों। तो जहाँ पे भी हमें प्लेस करना है हम वहाँ से इसे प्लेस कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली हमें यहाँ से अप डाउन जहाँ पे हमें प्लेस करना है हम यहाँ से प्लेस कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमने हमारा लोगो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है दोस्तों। अब इसके बाद में हमारी जो भी वीडियो है दोस्तों, तो वीडियो को हम अगर चाहे तो वीडियो को भी हमें अगर जूम करना है दोस्तों, ये जो इधर का साइड का पार्ट है हमें ये नहीं चाहिए, इधर का साइड का पार्ट हमें नहीं चाहिए, अगर हमें हमारा वीडियो जूम करना है तो हम यहाँ से जूम का इफेक्ट भी यहाँ से लगा सकते हैं दोस्तों। अगर हमें पूरा जूम करना है तो हमें पूरी जो भी हमारा होल वीडियो है हमें पूरा वीडियो सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। अगर हमें स्पेसिफिक पार्ट जूम करना है तो स्पेसिफिक पार्ट हमें कट करके उसे हम जूम कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसे जो हमारा पूरा वीडियो है वह हम उसे जूम करेंगे। सिंपली हमें इसे सेलेक्ट करना है और जो भी हमारे फिल्टर है फिल्टर पर हमें ऐड करके हमें यहाँ से फिल्टर चूज करते हैं। तो इसके लिए भी रोटेट एंड स्केल, तो रोटेट एंड स्केल जो भी हमारा फिल्टर है हम यहाँ से ऐड करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हमें इसे जूम करना है तो हम स्केल का यूज करके हम इसे जूम कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हम यहाँ से जूम कर सकते हैं, तो हमें जितना भी चाहिए हमारा वीडियो। तो इस तरह से मैंने 138% हमने इसे जूम कर लिया है दोस्तों। अगर हमें इसे अप डाउन करना है तो हम यहाँ से लेफ्ट राइट अप डाउन भी एक्स एंड वाई ऑफसेट का यूज करके हम यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से जो भी हमारा वीडियो है तो यहाँ से मैंने यहाँ से सेट कर लिया है दोस्तों। तो देखो जो भी अनवांटेड पार्ट था वो हमारे वीडियो में से यहाँ से डिलीट हो गया है दोस्तों। एक बार हम इसे प्ले करके देखेंगे दोस्तों। तो प्ले करते देखो। जॉनी, जॉनी, यस पापा, इट
तो इस तरह से हमारा लोगो भी इसमें आ गया है दोस्तों। अगर हमें ये लोगो को साइड में लाना है तो सिंपली हमें ट्रैक पे आना है दोस्तों। ट्रैक पे आके हमें हमारे जो भी इमेज है उसे सेलेक्ट करना है दोस्तों। सेलेक्ट करते ही हमारा जो रोटेट एंड स्केल है हमें एक्स एक्सेट वाई एक्सेट पे जहाँ पे भी हम चाहें तो उसे ड्रैग कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ड्रैग कर लिया है दोस्तों। तो ये वीडियो हमारे यहाँ से रेडी हो गया है दोस्तों। उसके बाद में हमारा फिल्टर में और ऑप्शन है दोस्तों। सेकंड वीडियो है, सेकंड वीडियो जो भी सेकंड वीडियो है हमारा दोस्तों, तो हम इसे प्ले करके देखेंगे। सेकंड वीडियो पे हमारा गर्स आएगा, हम इसे प्ले करके देखते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये छोटा है, तो हमें इसे भी अगर जूम करना है तो सेम हमें ऐड करके हमारा जो भी रोटेट एंड स्केल है तो रोटेट एंड स्केल का यूज करके हम इसे भी सिंपली यहाँ से जूम कर लेंगे दोस्तों। तो जूम करने के लिए सिंपली हमारे जो भी स्केल है हमें यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हमने हमारा जो भी वीडियो है यहाँ से इंक्रीज कर लिया है दोस्तों। तो यो हमारा जो वीडियो है यहाँ से जो भी हमारा अनवांटेड पार्ट है वो यहाँ से कट हो गया है दोस्तों, और हम हमारा जो भी वीडियो यहाँ पे आ गया है दोस्तों। तो सिंपली इस तरह से हम हमारा वीडियो जूम कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो हम इसे अगर ये सिर्फ जो हमारा वीडियो है फेस पे हमें ज़्यादा जूम करना है तो सिंपली हमें इसे सेलेक्ट करना है, और जहाँ पे भी हमें जितना भी पार्ट जूम करना है दोस्तों, तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट करके हम इसे स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट करते ही हमारा जो भी पार्ट है अभी यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक जूम करना है दोस्तों, तो यहाँ तक मुझे जूम करना है तो मुझे यहाँ पे भी स्प्लिट कर लेना पड़ेगा। और जो बीच में का पार्ट है मुझे उसमें जूम करना है तो हम इसे सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते हमारा जो प्ले हेड है जो हमारा कर्सर है वो सेंटर में लेके आएंगे, और यहाँ पे जितना भी जूम करना है दोस्तों तो सिंपली यहाँ से ऐड करके जो भी हमारा कर्सर है हमें जो भी स्केल है हम यहाँ से हमारा जूम इन यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमने इंक्रीज कर लिया है, हमें जैसा भी चाहिए हमारा वीडियो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से मैंने इतना यहाँ से इसे जूम कर लिया है दोस्तों। तो सिंपली हम यहाँ से प्ले करके देखेंगे दोस्तों, एक बार प्ले करके देखेंगे। देखो कैसा जूम हो गया दोस्तों, तो इस तरह से जूम आउट भी हो गया है दोस्तों। उसके बाद में हम गए फेड इन और फेड आउट के भी ऐसे हम इफेक्ट लगा सकते हैं दोस्तों। तो सबसे उसके लिए भी हमें सिंपली ऐसे इसे सेलेक्ट करना है दोस्तों। सेलेक्ट करके हम ऐड फिल्टर पे जाएंगे। ऐड फिल्टर पे हमें वीडियो में आके हमें फेड इन वीडियो में फेड इन वीडियो, और हमें इसमें अगर फेड आउट लगाना है तो सिंपली हमें ऐड करके हम इसे फेड आउट जो वीडियो है तो फेड आउट का भी हम यहाँ से हमारा वीडियो है उसमें हम फेड इन और फेड आउट जो है यहाँ से हम लगा सकते हैं दोस्तों। तो सिंपली हमारा जो वीडियो है हम उसे फेड इन और फेड आउट वीडियो इस तरह से हमने लगा लिया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो भी कर्सर है इसमें हमें जितना भी फेड इन करना है, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जो जितना भी फेड आउट करना है या इन करना है तो हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से जो भी फेड इन और फेड आउट का इफेक्ट है हम यहाँ से लगा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आते ही हमें जो फेड इन और फेड आउट का जो इफेक्ट है यहाँ से आएगा दोस्तों। तो चलो हम यहाँ से इसे एक बार प्ले करके देखते हैं दोस्तों। तो सिंपली हमें जो हमारा वीडियो है वो यहाँ से हमें प्ले करके देखो कितनी अच्छी तरह से यहाँ से इसने फेड इन कर लिया है दोस्तों। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे सिंपली हमारा जो भी प्ले हेड है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे लाएंगे और यहाँ से प्ले करेंगे। तो ये एक आराम से देखो कितनी अच्छी तरह से वो फेड इन हुआ है और फेड आउट हुआ है दोस्तों। उसके बाद मेरा हमारा जो वॉइस है दोस्तों, अगर रिकॉर्डिंग में हमारा वॉइस अगर कम होता है दोस्तों, तो अगर हमें हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करना है दोस्तों तो हम उसके भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो सिंपली उसके लिए भी हमें हमारा वीडियो जो है हमें जो सबसे पहले हमारे जो भी वीडियो क्लिप है उसे हमें सेलेक्ट करना है दोस्तों। सेलेक्ट करते हैं हमारा जो भी फिल्टर है ऐड फिल्टर का यूज करके हमें वीडियो गेन जो रहता है तो वॉल्यूम गेन जो भी है गेन वैल्यूम जो है फिल्टर उसका यूज करके हम हमारा जो भी वैल्यूम है वो इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। तो सिंपली हम यहाँ पे प्ले करके देखेंगे दोस्तों। प्ले करते देखो ये बैकग्राउंड नॉइज जो आ रहा है, बैकग्राउंड का जो वैल्यूम है, ये जो म्यूजिक है हमें बैकग्राउंड में डालना है तो हम इसे सिंपली पहले इसे हम म्यूट कर देते हैं दोस्तों। तो इसे म्यूट करते हमारा बैकग्राउंड वैल्यूम जो है वो यहाँ से
बैकग्राउंड जो वैल्यू है वो ऐसे बंद हो जाएगा दोस्तों। बैकग्राउंड वैल्यू बंद करके हम इसे प्ले करके देखेंगे। तो इस तरह से यस पापा इटी शुगर नो पापा टेलिंग लाइक नो। अगर रिकॉर्डिंग में हमारा वैल्यूम अगर कम आ रहा है तो हम यहाँ से सिंपली ये जो लेवल है इससे हम इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। तो जीरो से मैं यहाँ पे 10% तक यहाँ से इंक्रीज करता हूँ अगर प्ले करता। तो इस तरह से हम हमारा जो भी वैल्यूम है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। तो हमें जितना भी चाहिए यहाँ पे प्ले करके देखो। तो हमें जितना चाहिए हम उतना प्ले करके देखेंगे दोस्तों। यस पापा। अगर हम इसे इंक्रीज करते हैं देखो तो यहाँ से टेलिंग लाइक नो पापा ओ माय माउथ। तो जितना भी चाहिए हम अगर वीडियो अगर रिकॉर्डिंग में कम होता है तो हम यहाँ से उसे इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से वैल्यूम गेन का हम यूज करके हमारा वैल्यूम अगर रिकॉर्डिंग में कम हुआ है तो हम इसे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। वैसे हमें अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक डालना है, अगर बैकग्राउंड का म्यूजिक हम यहाँ से प्ले करते हैं तो हमें बैकग्राउंड का म्यूजिक हम यहाँ से प्ले करेंगे दोस्तों। तो बैकग्राउंड का सबसे पहले जो हमारी वीडियो क्लिप है हम उसका वैल्यूम जो है यहाँ से जो आए पे क्लिक करके हम इसे बंद भी कर सकते हैं दोस्तों। तो वैल्यूम बटन यहाँ पे क्लोज करेंगे तो ऐसे जो भी हमारा वीडियो क्लिप है उसका वैल्यूम बंद हो जाएगा और जो बैकग्राउंड में हमने जो म्यूजिक डाला है तो बैकग्राउंड का म्यूजिक यहाँ से प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा बैकग्राउंड का वैल्यूम यहाँ से प्ले हो गया दोस्तों। अगर हमें ये इसके वैल्यूम को कम करना है तो हमें सिंपली वही गेन वैल्यूम फिल्टर का, अगर बैकग्राउंड म्यूजिक हमें कम करना है दोस्तों तो हमें सिंपली वही ऑडियो फिल्टर में आके हमें गेन वैल्यू का जो हमें यूज करके हम इसे अगर चाहे तो हम बढ़ा सकते हैं, मगर बैकग्राउंड म्यूजिक जो है कम होता है तो सिंपली हमें यहाँ से हमें इसे कम करना है तो हम यहाँ से चाहे तो कम भी कर सकते हैं दोस्तों। तो जितना भी चाहे हम हमारा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। तो जितना चाहिए हम यहाँ से इतना रख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से 10% प्ले करके देखेंगे दोस्तों। यहाँ से मैंने 10% या 20% हम यहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ से लगा सकते हैं दोस्तों। तो हम हमारा जो भी वीडियो है हम यहाँ से एक बार प्ले करके देखेंगे दोस्तों, स्टार्टिंग से प्ले करके देखेंगे। तो इस तरह से प्ले करते ही यस पापा। अगर नेक्स्ट फिल्टर की बात करना चाहे तो हम दोस्तों तो इस वीडियो में हम अगर चाहे अगर हमारा ग्रीन बैकग्राउंड है ब्लैक बैकग्राउंड है तो हम यहाँ से अगर चाहे तो क्रोमा जो है क्रोमा क्री भी हम यहाँ से लगा सकते हैं दोस्तों। तो सिंपली हमें फिल्टर पे ऐड करना है दोस्तों। ऐड करते ही हमारे फिल्टर जो भी है हम यहाँ से ऐड करेंगे। ऐड करते ही हमें वीडियो में सिंपली हमें क्रोमा यहाँ से क्रोमा की यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करना है और हमें यहाँ से ग्रीन बैकग्राउंड या ब्लैक बैकग्राउंड जो भी हमें कलर इरेज करना है हमें यहाँ से सेलेक्ट करके वहाँ से ये इरेज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट फिल्टर है अगर हमें यहाँ पे हम चाहे अगर तो हमें अगर टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो हम यहाँ से टेक्स्ट भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो सिंपली टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए हमें जहाँ पे भी टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो उस पार्ट को हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है दोस्तों। सेलेक्ट करते हमें फिल्टर पे आके हमें ऐड फिल्टर करना है। ऐड फिल्टर करते हमें सिंपल टेक्स्ट, तो हमें यहाँ से सिंपल टेक्स्ट जो है यहाँ से 3D टेक्स्ट भी हम यहाँ से ले सकते हैं और सिंपल टेक्स्ट भी हम यहाँ से ले सकते हैं। तो सिंपली हमें टेक्स्ट अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे जो उसका टाइम कोड है यहाँ से प्ले हो जाएगा दोस्तों। अगर हमें यहाँ पे कुछ एडिट करना है तो हम यहाँ पे आके लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे सेटिंग विंडो है दोस्तों, तो यहाँ पे सेटिंग में आप चाहे तो आपको जो भी लिखना है आप वहाँ से जो भी टाइटल देना है आप यहाँ से लिख सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ से वेलकम यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों। वेलकम लिखते ही यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें फॉन्ट का कलर है, फॉन्ट का कलर हम यहाँ से जो भी चाहिए हम यहाँ से चूज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे फॉन्ट है, जो भी हमें फॉन्ट चाहिए तो हम यहाँ से जो चाहिए वो फॉन्ट यहाँ से हम चूज कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट जो साइज है हमें यहाँ पे कितने साइज में चाहिए तो हम साइज भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से सिंपली हमें सेलेक्ट करके हमें इसे ओके करना है। तो इस तरह से हमने जो भी चाहिए हम यहाँ से हमारा फॉन्ट और टेक्स्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें अगर हमें आउटलाइन ऐड करना है, बैकग्राउंड ऐड करना है तो हम यहाँ से सिंपली वो भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में हमारा वीडियो की जो भी पोजिशन है हमें लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, मिडल
एंगल में चाहिए। तो इस तरह से जो भी हमारा टेक्स्ट है हम यहाँ से लेफ्ट राइट बॉटम हमें जैसा चाहिए वैसा हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा हम ये जो साइड के एरोज है जो साइड कॉर्नर है हम उसे पकड़ के भी इसकी साइज इंक्रीज या डिक्रीज हम यहाँ से कर सकते हो दोस्तों। तो जैसा चाहिए वैसा हम इसे पकड़ के इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ से हम कर सकते हैं दोस्तों। तो जो भी साइज हमें चाहिए हम वो साइज में हम यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। मैं इसे ऐसा ही रखूंगा दोस्तों और यहाँ पे हम इसे एक बार प्ले करके देखेंगे दोस्तों। सिंपली हम स्टार्ट में आएंगे और यहाँ से प्ले करके देखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से हमने वीडियो प्ले कर दिया दोस्तों। अगर हमें टाइमलाइन को हमें यहाँ से जूम आउट या जूम इन भी करना है तो हम यहाँ से जूम इन और जूम आउट भी यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। हमें यहाँ पे लास्ट में अगर हमें अगर टेक्स्ट ऐड करना है तो हम यहाँ पे जितने पार्ट में चाहिए उतना हमें इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे स्प्लिट कर देंगे दोस्तों। अगर हमें यहाँ पे अगर टेक्स्ट ऐड करना है तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ऐड फिल्टर पे जाएंगे और हमें यहाँ से सिंपल टेक्स्ट जो भी सिंपल टेक्स्ट है ऐसे हमने सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। सिंपल सेलेक्ट करते ही हमारे सामने यहाँ पे टेक्स्ट जो टाइम कोड है वो ऐसे आ जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे जो भी टेक्स्ट चाहिए वो टेक्स्ट यहाँ से थैंक्स फॉर वाचिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। अगर आप चाहे तो इसका कलर साइज शेप हमें जो भी हमें यहाँ पे चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो जिस तरह से हमें जो भी फॉन्ट चाहिए हम यहाँ से जो फॉन्ट है हम यहाँ से जो भी चाहिए वो फॉन्ट यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। और हमें जो भी साइज में चाहिए तो हम यहाँ से जो भी साइज चाहिए वो यहाँ से साइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हमें जो भी करना है हम यहाँ से जो भी हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है वो यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमने जो हमारा टेक्स्ट है इसमें हमने ऐड कर लिया है दोस्तों। एक बार हम इसे प्ले करके देखेंगे दोस्तों। प्ले करते हैं हमारे सामने थैंक्स फॉर तो इस तरह से आ गया है दोस्तों। ये सब होने के बाद में हमें लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है हमें एक्सपोर्ट करना है दोस्तों। जो वीडियो जो है हमें अगर एक्सपोर्ट करना पड़ता है दोस्तों तो हम यहाँ पे सिंपली लास्ट में हमें इसे सेव करना है और इसे एक्सपोर्ट करना है दोस्तों। एक्सपोर्ट करते ही हमारे सामने यहाँ पे एक विंडो आ जाएंगे दोस्तों। तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट फाइल करके हमें एक्सपोर्ट करना है दोस्तों। तो इस तरह से हमें जो भी हमारी फाइल है वो फाइल का हम नाम देंगे और इसे जहाँ पे भी चाहिए हम यहाँ पे इसे सेव कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली हमें जहाँ पे चाहिए वो पाथ हम देंगे और यहाँ पे हम उसे सेव कर सकते हैं दोस्तों। और जब भी हमें सेव इसे कर देंगे दोस्तों तो इस तरह से हमारा जो भी जॉब है तो जो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से जो भी हमारी फाइल है उसका रेंडरिंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। हमारा वीडियो जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये 100% होती है हमारा वीडियो यहाँ से तैयार हो जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। Sugar, no papa. Telling lies, no papa.